अधिकार अगर चाहिए तो सरकार बनाना पड़ेगा साथियों, और आप सबके सहयोग से पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। अधिकार अगर चाहिए तो सरकार बनाना पड़ेगा साथियों, और आप सबके सहयोग से पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं, और आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला है, और उसी के दम पर आज इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हुए हैं साथियों, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कल तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। अगर पूरे बिहार में अगर थोड़ा बहुत अगर निषाद समाज को लोग जानते थे तो सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में ही लोग जानते थे, पूरे बिहार में लोग नहीं जानते थे कि निषाद समाज क्या चीज है। लेकिन आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में अगर जानने लगे हैं तो सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है साथियों, सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है। इस मुकाम तक आने के लिए पूरे बिहार का एक एक निषाद मजबूती से वीआईपी पार्टी और निषाद विकास संघ के साथ खड़ा हुआ, इसके दम पर आज हम यहां पे पहुंचे हैं साथियों, उसके दम पर पहुंचे हैं। तो साथियों, कोई भी लड़ाई 2-4 दिन में नहीं जीता जाता है साथियों, उसके लिए समय लगता है। सिर्फ जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य के साथ मजबूती से उस रास्ते पे चलिए साथियों, उस रास्ते पे चलिए। ये देश पहले गुलाम था, पहले इस पे राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, लोग को गुलाम बना के रखा था। उसके बाद मुगल आए, वो भी इस देश पे राज किए। उसके बाद अंग्रेज आए, वो भी आपके देश पे राज कर रहा था, आपको गुलाम बना के रखा था। और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 200 साल तक लड़ाई लड़े, तब जाके हमें आजादी मिला साथियों, तब जाके आजादी हमें मिला। हजारों नहीं, लाखों के संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, उसके बाद हमें आजादी मिला साथियों, उसके बाद आजादी हमें मिला। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए। उन्होंने देखा कि पहले किस तरीके से गरीब पिछड़ा दलित को पशु समान समझते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं, तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र में, इस देश में लोकतंत्र होना चाहिए, कोई किसी के ऊपर मालिक नहीं होगा, जनता जिनको चुनेंगे वही लोग देश को चलाएंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो साथियों, हमें संविधान में ताकत मिला वोट गिराने का, और आप अपने वोट के दम पर बड़े से बड़े ओहदे पे जा सकते हैं, जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, दलित की बेटी बहन मायावती जी, इन लोगों ने पैसे के दम पर अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री ने बने, अपने लोगों के वोट के दम पर राज्य में मुख्यमंत्री बने।